हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी का आज थर्ड शिफ्ट का भी एग्जाम हो चुका है और मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस मिल गए हैं जीके के, करंट अफेयर के, साइंस के, रीजनिंग के, मैथ के। वो सब कुछ एक ही वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, मैं दो तीन वीडियो नहीं बना रहा हूं क्योंकि इसके लिए आपका भी टाइम वेस्ट है और मैं भी आपको प्रॉपरली सारी चीज़ प्रोवाइड नहीं करा सकता हूं। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा लेट करके वीडियो को लेकर आता हूं, बट सारी चीज़ें कलेक्ट करके लेकर आ जाता हूं जितनी भी होती है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा और हो सके तो लाइक का बटन भी जरूर दबाइएगा और आगे भी इसी टाइप के वीडियो लेने के लिए नीचे रेड कलर का बटन दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन था, एसबीआई में सिक्स्थ बैंक कब मिलाया गया था? तो ये 2016 में राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, आईसीसी के चेयरमैन कौन है? शशांक मनोहर, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अक्षय कुमार को किस फिल्म के लिए अवार्ड मिला? तो रुस्तम फिल्म के लिए इनको अवार्ड मिला था। और देखिए दोस्तों, मैं हर एक शिफ्ट का एनालिसिस कर रहा हूँ, आप शायद देख नहीं रहे होंगे, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, फिर इस वीडियो के एंड में लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो सारी वीडियो को देखते रहे क्योंकि एनालिसिस इतना इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन तो आपके डायरेक्ट रिपीट हो रहे हैं, तो इसको तो बिल्कुल भी मत छोड़ के जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका, परमाणु संख्या के आधार पर आवर्त सारणी किसने बनाई थी? तो मोसले ने बनाई थी और यह आपका कल भी आया था और आज भी आया है, देख लीजिए अब आप। ठीक है, वाटर का पीएच मान आज पूछा गया था, तो 7 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है? एनके सिंह, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोबाल्ट का क्वेश्चन आपका कल भी था और आज भी है, कोबाल्ट की परमाणु संख्या आपकी कितनी होती है? तो 27 हो जाएगी। ठीक है, एक क्वेश्चन था आपका, एचआरडी मिनिस्टर कौन है? तो प्रकाश जावड़ेकर हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर। तो देखिए, एक तो मिनिस्ट्री आपकी होगी, एक आपकी कैपिटल हो गई, ठीक है, हर एक स्टेट की, एक सीएम हो गया, एक गवर्नर हो गया, तो ये कुछ टॉपिक हैं जिनको रट लीजिए बिल्कुल। ठीक है, पीडीएफ मैं लगातार अपलोड कर रहा हूँ टेलीग्राम पे, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको ज्वाइन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैं ऐसी अपलोड कर रहा हूँ जो जिनकी मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ, डायरेक्ट पीडीएफ बनवा रहा हूँ और वहाँ पे अपलोड कर दे रहा हूँ। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं है उनके। ठीक है, तो आपकी हेल्प करने की कोशिश तो पूरी है, बट आप अगर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे और भी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो एचआरडी मिनिस्टर हो गया आपका। टी20 के अंदर किस भारतीय खिलाड़ी ने 5 विकेट लिए थे? तो कुलदीप यादव, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपका थर्ड शिफ्ट में आया था। वर्ल्ड वाटर डे, तो आपका ये 22 मार्च, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्रोमोसोम किस चीज से मिलकर बनते हैं? तो ये क्वेश्चन आपका कल भी था, आज भी है, तो ये डीएनए प्लस प्रोटीन, तो प्रोटीन कौन सा हो जाएगा? हिस्टोन प्रोटीन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर ये भी पूछा जाए कि कौन सा प्रोटीन होता है तो ये भी आप बता सकते हैं। साई यानी कि स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है? नीलम कपूर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अष्टांग नियम किसने दिया था? न्यूलैंड ने दिया था, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, मतलब क्वेश्चन तो यार मैं बोलूँ तो टॉपिक तो 1% भी चेंज नहीं हो रहे हैं। अगर आप ये सारे के सारे टॉपिक उठा के पढ़ लेते हैं तो बिल्कुल भी एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। अब पता क्या होता है कि ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल पूछा गया कि अष्टांग नियम किसने दिया, तो मैं आपको बिल्कुल एक छोटी सी लाइन में पढ़ के इसको बता रहा हूं, तो आपको ये क्वेश्चन ईजी लग रहे हैं। ठीक है, अगर आप इसी क्वेश्चन को देखेंगे एग्जाम में तो वहां पर इसकी लैंग्वेज थोड़ी लंबी सी बना दी जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके का थोड़ा जो प्रॉब्लम आ रही है बच्चों को बात करके पता चलता है, तो वो टाइम की प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, थोड़ा लेंथी सा पेपर बता रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए मेरे हिसाब से, आपको ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाने चाहिए। ठीक है, टेस्ट कहीं से भी परचेज कर लीजिए, एक लिंक तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है परचेज करने का, वहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो टेस्ट जरूर लगा के जाइए, अगर आपके पास 10-5 दिन है तो उसमें आप 30 टेस्ट है उसमें हिंदी इंग्लिश में, उनको जरूर लगा लीजिए। ठीक है, खिलजी वंश की शुरुआत किसने की थी? तो जलालुद्दीन खिलजी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, रिलेटिव डेंसिटी की यूनिट क्या होती है? तो रिलेटिव डेंसिटी की कोई यूनिट नहीं होती है, तो ये आपको वहाँ पे ऑप्शन मिल गया होगा। ठीक है, अगर ऑप्शन होगा तो कि कोई यूनिट नहीं होती है, तो ये आपको राइट आंसर लगाना था। देखिए, बहुत ही ईजी सा एक क्वेश्चन पूछा गया, हरियाणा के अंदर कौन सी पार्टी की सरकार है? तो बीजेपी की, राइट आंसर हो जाएगा। बच्चा पैदा होता है उसमें माता पिता के कितने जींस होते हैं? तो उसमें हाफ हाफ मतलब जींस होते हैं, हाफ फादर के और हाफ मदर के, तो आपको यही लगाना था। ठीक है, और एक था आपका, लिम्बा राम कौन से खेल से संबंधित है? तो तीरंदाजी से, तीरंदाजी से आपके 2 क्वेश्चन आए आज, एक इससे पहली शिफ्ट में भी था, तो आप देख लीजिएगा। सारी शिफ्ट के एनालिसिस देखते रहा कर, अगर आपने नहीं देखे तो उनको जरूर देख लीजिएगा। टी20 में सबसे तेजी से सेंचुरी बनाने वाला खिलाड़ी, तो रोहित शर्मा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका, अन्ना बुक के ऑथर कौन है? तो अन्ना बुक के ऑथर हो जाएगा अन्ना मारिया, राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आपका, अरावली
अरावली रेंज कहाँ पर स्थित है, तो राजस्थान में इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूनिट ऑफ एसिलरेशन का आपका हो जाएगा मीटर पर सेकंड, ये भी आपका आया था। दो ऐसे विवादित तत्व बताएं जो मेंडलीव के समय पीरियोडिक टेबल में स्थान फिक्स नहीं हो पा रहा था। मतलब कुछ इस टाइप का क्वेश्चन था कि जब मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल को बनाया था तो उस टाइम पे जिनका स्थान फिक्स नहीं हो पा रहा था, तो वो कौन से हैं, कोबाल्ट और निकेल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एक देखिए दोस्तों, नीति आयोग से कहीं ना कहीं घुमा फिरा के वही क्वेश्चन दे दिया जाता है। ठीक है, कल चेयरमैन पूछा गया था, आज पूछ लेगा कि नीति आयोग के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, तो वही बात हुई ना, तो इसके भी यही हो जाएगा राइट आंसर, पीएम यानी कि नरेंद्र मोदी है। अभी यहाँ पे पूछा गया फीफा बेस्ट यंग प्लेयर, तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, चाहे कहीं से भी सर्च करके बताएं, इसका आंसर बताइएगा। ठीक है, वीडियो को पूरा देखने के बाद में, और पीडीएफ के लिए मैं बताऊंगा आपको कहां से डाउनलोड करनी है, अगर किसी को नहीं पता है तो वीडियो को पूरा देखिए, उसके बाद मैं आपको पूरी डिटेल में समझाऊंगा कि कहां से आपको पीडीएफ मिलेगी और सब कुछ। ठीक है, वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस कब मनाया जाता है, 20 फरवरी को, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, ये आपका कल भी पूछा गया था, एक बच्चे ने आज भी बोला है, तो देखते हैं। ये मतलब आपका होता है CaSO4 2H2O, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबसे भारी धातु, ये कल भी था, शायद किसी बच्चे ने कल के क्वेश्चन भेज दियो, शायद ऐसा हो सकता है। ओस्मियम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कशेरु दंड में कितनी हड्डियां होती हैं, तो ये 33 होती है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेशनल स्पोर्ट अकेडमी की स्थापना किस लिए की गई, तो यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा कि 14 से 25 साल तक के बच्चों के लिए, यानी कि खेलने के लिए और उनको आगे स्पोर्ट में बढ़ावा देने के लिए, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। और देखिए दोस्तों, लगातार मैं आपके लिए अनअकैडमी पे भी वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, अगर आपने अनअकैडमी अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अनअकैडमी का, देखिए लर्निंग ऐप होता है, उस पर आप प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, सिंपली बहुत आसान है, डाउनलोड करने के बाद में वहाँ पे लॉगिन करने के बाद में सौरभ मलिक सर्च करके, और मेरी बहुत सारी वीडियोज़ है जो केवल मैंने रेलवे ग्रुप डी के लिए ही बनाई है, तो उनको जरूर देख लीजिएगा। और लगातार मैं वीडियोज़ भी अपलोड कर रहा हूँ वहाँ पे क्रैश कोर्स में उसमें। ठीक है, और ये फॉलो का ऑप्शन होता है, इस पर फॉलो भी कर लीजिएगा। और दोस्तों, मैं आपके लिए बहुत सारी वीडियोज़ पहले अपने चैनल पर भी अपलोड कर रखी है, अगर आपने नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, हर एक वीडियो को चेक कर लीजिए, देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लगातार बोल रहे हैं कि हमारे क्वेश्चन जो मिल रहे हैं, मतलब मैथ से और रीजनिंग से स्पेशली, ठीक है, साइंस के अगर आपने ऑनलाइन टेस्ट लगाए होंगे मेरे चैनल पे, कम से कम भी 250-300 टेस्ट मैंने लिए हैं, अगर आपने वो लगाए होंगे तो डेफिनेटली आप बहुत सारे स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पाइप एंड सिस्टम से क्वेश्चंस बन रहे हैं, मतलब चैप्टर तो फिक्स हो चुके हैं, पाइप एंड सिस्टम हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, देखने को मिलता ही मिलता है एक दो क्वेश्चन। ठीक है, आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस है, CISI है, एज हो गया, मीडियन से आज क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, मीडियन के कई क्वेश्चन आए हैं, तो एक तो मैंने बता दिया था आपको, अभी मुझे नहीं मिला है तो इस वाली वीडियो में तो नहीं होगा। ठीक है, HCF LCM से एक क्वेश्चन है, वो मैं बताऊंगा आपको, मैंचुरेशन से, सिंप्लीफिकेशन, ट्रिग्नोमेट्री, प्रॉफिट एंड लॉस, ये कुछ चैप्टर हैं जिनको आप देख के जाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट का एक क्वेश्चन है कि ये है आपका 60,025 का स्क्वायर रूट आपको बताना है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, स्क्वायर रूट में आपको क्या करना होता है, सबसे पहले दो पेयर बनाने होते हैं और लास्ट के अलग से तीन पेयर बन जाते हैं, तो जो लास्ट यानी कि ये आपके शुरू के दो पेयर होते हैं, इसमें भी आपको पांच से मतलब होना चाहिए, यानी कि जो लास्ट वाला नंबर होता है सिर्फ उससे, यानी कि इसको काट दीजिए, सिर्फ इसे देखिए, इसको देखिए किसके एक से 10 तक के नंबर में किसके स्क्वायर में ये आएगा, तो ये केवल 5K में आएगा, तो बस ये तो बहुत ही सिंपल आंसर, मतलब आंसर इसका आ चुका है, मान लीजिए तो लास्ट वाला तो आपका 5 ही हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए कि इससे आपका जो 600 है, इससे पहले किसका स्क्वायर है, तो इससे पहले आपका किसका हो जाएगा 24 का, क्योंकि 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 हो जाएगा, इससे बड़ा हो जाएगा, इसका मतलब आपका 24 हो जाएगा आपका पहले और लास्ट में 5, यानी कि 245 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया, बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन। एक क्वेश्चन था देखिए, बहुत ही इजी सा है ये भी, एक आदमी अपनी आय का 85% खर्च करता है और 1200 रुपये बचा लेता है, तो बताओ उसकी कुल आय कितनी है, तो टोटल इनकम आपको निकालनी है, टोटल आय उसकी निकालनी है, तो टोटल आय कितनी होती है भाई, 100% होती है, उसने उसमें से 85% खर्च कर दिया, यानी कि एक्सपेंसिव उसने कितने किए 85% के। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, तो अगर 85% वो खर्च करता है तो सेव कितना करता होगा, बचाता कितना होगा, तो उसने सेविंग की है, बचाए उसने 15%, तो 15% के इक्वल 1200 हो जाएंगे ना। ठीक है, क्योंकि उसके पास बचे कितने 1200, तो 15% के इक्वल 1200 आपको पता है, तो 100% की वैल्यू आपको निकालनी है, क्योंकि यही आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि उसकी कुल आय यानी कि टोटल इनकम कितनी थी, तो 1200 को आप 15 से डिवाइड कर दीजिए और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये जाएगा 80 बार 80 की 100 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 8000, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है भाई, चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं आपका, ये है टाइम एंड वर्क से। यहाँ पे कुछ इस टाइप का क्वेश्चन था, यदि दो आदमी अथवा तीन औरतें किसी काम को 30 दिनों में करते हैं तो 6 आदमी तथा 10 औरतें उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं लिख लेता हूँ, सबसे पहले दो आदमी तीन औरतें, यानी कि दो आदमी किसके इक्वल है, तीन औरतों के इक्वल है, ठीक है। ये या तो दो आदमी से करवा लीजिए या फिर तीन औरतों से करा लीजिए, 30 दिनों में वर्क करेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट पूछा है 6 आदमी और 10 औरतें, और देखिए यहाँ पे ये संख्या अलग अलग भी हो सकती है आपके, बिल्कुल एग्जैक्ट मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपके एग्जाम में बिल्कुल यही संख्या पूछी गई थी, इस टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है। तो शायद संख्या आपकी जो होगी ये अलग हो सकती है, तो इस चीज़ को मैं नहीं बोल रहा हूँ। यहाँ पे कराना किससे आपकी बार, 6 आदमी और 10 वुमेन से वर्क कराना है, तो कितने दिन लगेंगे। तो आपको क्या करना है, या तो आप मैन में इसको बदल लीजिए, या फिर आप इसको बदल लीजिए वुमेन में। तो मैं क्या करता हूँ, वुमेन में बदल लेता हूँ सभी को, ठीक है, यानी कि इन 6 आदमी को भी वुमेन में बदल लेंगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए 1 मैन बराबर कितनी वुमेन है। तो 1 मैन बराबर आपका क्या हो जाएगा, 3/2, यानी कि एक आदमी के बराबर 3/2 औरतें हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इन 6 आदमी को अगर बदलना है औरतों में, तो 6 की मल्टीप्लाई 3/2 में कर देंगे, तो 2 से 3 6 जाएगा 3 बार, 3 की 3 में करेंगे, यानी कि 6 आदमी के बराबर 9 औरतें हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कितना हो गया, 9 वुमेन, और 10 वुमेन पहले थी, यानी कि टोटल वुमेन कितनी होगी, 19, ठीक है भाई, 19 वुमेन आपके पास आ गई है। यानी कि अब आपको क्या करना है, बस टोटल वर्क निकालना है कि 3 दिन में टोटल वर्क, 3 वुमेन सॉरी 3 औरतें 30 दिन में कितना वर्क करती होंगी। भाई 3 औरतें किसी काम को 30 दिन में कर लेती हैं, तो टोटल वर्क कितना होगा, 3 की 30 में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये टोटल वर्क आ जाएगा। तो टोटल वर्क हो गया आपका 90 यूनिट। अब आपको क्या कराना है, इस 90 यूनिट को 19 वुमेन से वर्क कराना है, कंप्लीट कराना है, तो 90 को 19 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 4.7 डेज, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन था आपका, देखिए इसकी मैं ट्रिक भी बताऊंगा और एक ऐसा मेथड बताऊंगा जिसमें आपको फॉर्मूला याद रखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आप कोई सा भी यूज कर लीजिएगा, आप आसानी से कर सकते हैं, क्वेश्चन आपका रिपीट भी हो सकता है। 4500 रुपये पर 8% की दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर क्या होगा, ये आपको बताना है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे SI आपको जो है, अगर मैं बात करूँ SI कितना होगा परसेंटेज में देखा जाए, तो SI तो आपका सीधा सीधा जो फर्स्ट ईयर में लगेगा वो सेकंड में भी रहेगा और वो थर्ड में भी रहेगा, बट जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो चेंज होता है, यानी कि वो इंक्रीज होता जाता है, हर स्टेप पे इंक्रीज होता जाएगा, यानी कि फर्स्ट ईयर में जो लगेगा वो सेकंड ईयर में नहीं होगा, वो कुछ ना कुछ इंक्रीज हो जाएगा और थर्ड ईयर में भी कुछ ना कुछ इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ऐसा ही यहाँ पे टोटल कितना लगेगा भाई, 24% हो जाएगा, ये तो हमें पता चल गया कि 3 साल में 8 या 24 टोटल 24% SI लगेगा, बट जो CI है वो 8 नहीं लगेगा, वो क्या होगा, वो हर स्टेज पे बढ़ेगा, यानी कि इसमें बढ़ेगा फिर नेक्स्ट में बढ़ेगा। तो आप क्या करेंगे, इफेक्टिव परसेंटेज आप सभी से निकालना आता होगा, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इन दो में इफेक्टिव परसेंटेज लगाइए और जो भी आएगा फिर उसके साथ में इसके साथ इफेक्टिव परसेंटेज लगाइए। तो आप बिल्कुल भी घबराइए मत, अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो देखिए ट्रिक यहाँ पे मैंने लिख रखी है, आप इससे बिल्कुल जल्दी से जल्दी कर लेंगे। ये एक मेथड भी बहुत आसान है और हार्ड नहीं है, अगर आपको हार्ड लग रहा है तो बिल्कुल भी मत छेड़िएगा इस क्वेश्चन को, बिल्कुल भी मत करिएगा, ट्रिक मैं बता रहा हूँ उस ट्रिक को यूज कर लीजिएगा, ठीक है। बट समझ लीजिए यहाँ पे RR आपने कर लिया, यानी कि 8 का सबसे पहले इफेक्टिव परसेंटेज निकालिए, 8 × 8 + 8 और +8 × 8/100, तो कितना आ जाएगा, 16+0.6, ठीक है, 8/64 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.64 हो जाएगा, तो 16.64 ये आपका पहले वाला आ गया। आपको ये अब आपको किसके साथ में लगाना है, नेक्स्ट वाले 8 के साथ में, ठीक है, इन दो में इफेक्टिव परसेंटेज यूज निकालना है आपको। तो 16.64 प्लस 8, तो यहाँ पे प्लस करेंगे 16.64 × 8/100, तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 24.64, यानी कि 0.64, और प्लस 1.33 आपका आ जाएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25.97%, और आपका SI में तो है 24%, CI आपका कितना हो गया, 25.97%, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है भाई, 1.97% है, ठीक है। तो आप सीधा सीधा बस 4500 का 1.9% निकाल लीजिए, ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगर आपको ये मेथड थोड़ा लंबा लगा है, वैसे लंबा है नहीं क्योंकि मैं अभी आपको समझाऊंगा, ये चीज आपने यहीं पे कर ली थी, ये आपको क्या करना है, इन दोनों में इफेक्टिव परसेंटेज लगाना है, जो भी आए फिर उसके साथ में इसका इफेक्टिव परसेंटेज लगाना है, ठीक है। तो बस अब आप ये देख लीजिए आप ये कितनी जल्दी करते हैं और कितनी बड़े पेज पे करते हैं, अदरवाइज ये बहुत सिंपल मेथड है और उसमें कुछ भी आपको याद नहीं रखना है।
और जो आपकी ये ट्रिक है इसको याद कर लीजिए, ठीक है, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे करिएगा तो क्वेश्चन का आंसर इससे भी सेम आएगा, ठीक है। यहाँ पे प्रिंसिपल है, ये डिफरेंस आपको निकालना है, तो डी को बिल्कुल वैसे रख दीजिएगा, रिमेन 100 का क्यूब किया गया है, आर का स्क्वायर किया गया है और 300 प्लस आर किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका दो शिफ्ट में आया है, मतलब एग्जैक्ट ये वाला क्वेश्चन तो नहीं, बट अल्टरनेटिव डेज पे वर्क कराया गया है पाइप से, पाइप एंड टंकी में अल्टरनेटिव डे वाला आपका वर्क, जब अल्टरनेटिव बारी बारी से वर्क करते हैं पाइप, तो तब वो वाला क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपको करा देता हूँ। एक टंकी के दो नल ए तथा बी लगे हैं, एक टंकी को भरने में दो नल लगे हैं ए और बी, इस टंकी को 45 मिनट में पूरा भर देता है, जो ए टंकी है उसे ए जो है टंकी को 45 मिनट में भर देता है, बी है टंकी को एक घंटे में खाली कर देता है, यानी कि ए पाइप तो भरने का है और जो बी पाइप है वो खाली करने वाला है। यदि दोनों नलों में से प्रत्येक को बारी बारी एक साथ एक एक घंटे के लिए खोले तथा ए से आरंभ करें तो खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये 45 मिनट में भर देता है और ये एक घंटे में यानी कि 60 मिनट में खाली कर देता है, तो 45 और 60 हमने लिख लिया, दोनों कैल्शियम लेंगे, कितना गया 180 यूनिट कैपेसिटी आ गई उस टैंक की, ठीक है भाई, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। 180 को डिवाइड करेंगे 45 से तो ए आपका आ गया है 4, ठीक है, यानी कि ए जो है वो ए पाइप जो है वो एक घंटे में सॉरी एक मिनट में वो 4 यूनिट पानी भरेगा, फिर ठीक है 180 को डिवाइड करेंगे 60 से तो बी एक मिनट में 3 यूनिट पानी निकाल देगा, तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक मिनट में पानी कितना भरा जाएगा भाई, केवल एक ही यूनिट पानी भरा जाएगा एक मिनट में, ठीक है। तो बट यहाँ पे सीधा सीधा इन्होंने ऐसे वर्क नहीं बोला है करने को, इन्होंने बोला है कि बारी बारी वर्क करना है, बारी बारी का मतलब क्या है कि सबसे पहले ए को खोल दिया, फिर एक घंटा चलेगा, ठीक है, फिर उसके बाद ये बी खुल जाएगा, ठीक है, फिर बी वर्क करेगा, दोनों में नलों में से प्रत्येक को बारी बारी खोला जाए, एक घंटे के लिए खोला तथा ए से आरंभ करे तो खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो आपको क्या करना है, ए को खोला फिर उसके बाद बी खुलेगा फिर ए खुलेगा फिर बी खुलेगा, इस तरीके से कितना समय लग जाएगा टंकी को भरने में। तो आपने यहाँ पे ए का कितना भरता है 4 यूनिट, बी कितना भरता है सॉरी बी कितना खाली करता है माइनस के 3 यूनिट, यानी कि 3 यूनिट करता है खाली, माइनस हमने लगा दिया, तो ये दो मिनट में एक यूनिट पानी खाली करेंगे, ये दो मिनट में, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा घंटे नहीं है, दो मिनट में एक यूनिट पानी भरेंगे। तो आपको क्या करना है, अब इस एक की ऐसा पाड़ा पढ़ना है, इस एक की ऐसी मतलब एक का तो ऐसे ही पाड़ा पढ़ोगे आप, मतलब वन इज वन वन जो वन वन टू जो टू, तो इस तरीके से आपको यहाँ तक जाना है कि 180 से कम रहे, तो 180 से कम क्या रहेगा 179 भाई, ठीक है, 1 की मल्टीप्लाई 179 में करेंगे, ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 179 हो जाएगा। तो 179 में आपको 1 की मल्टीप्लाई नहीं करनी है, यहाँ पे 2 की भी करनी है, बिकॉज ये एक जो एक यूनिट की मल्टीप्लाई आपने की है ना 179 में, ये एक मिनट का वर्क नहीं है, दो मिनट का वर्क है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, क्योंकि एक मिनट ये करेगा फिर ये करेगा फिर ए करेगा फिर ये करेगा, इस तरीके से वर्क को हमें कराना है। तो ये 358 मिनट तो लग चुके हैं भरने में, कितने पानी को 179 को, बचा कितना है एक यूनिट रिमेनिंग वर्क बचा है। अब आपको ये क्या करना है, सबसे पहले इसको घंटे में बदल लेते हैं इस वाले वर्क को, ठीक है, 358 को 60 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 5 आर, यानी कि 5 घंटे 58 मिनट, इतना समय तो लग गया भरने में ये 179 यूनिट पानी को, बचा एक यूनिट पानी, उसको भरने कौन आएगा, जिसने वर्क स्टार्ट किया था, तो वर्क स्टार्ट किसने किया था 4 ने, ठीक है, यानी कि ए ने, तो ये 1 को डिवाइड करेंगे 4 से तो 1/4 यूनिट पानी भरा जाएगा, ठीक है, ए भरेगा, तो इस सॉरी इसको हम बदल लेंगे किस में, सेकंड में, सेकंड में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 आ जाएगा, ये 15 क्या हो जाएगा 15 सेकंड, इसका मतलब क्या हुआ है, इस टैंक को भरने में 5 घंटे 58 मिनट 15 सेकंड लगे, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये वैसे काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, अगर आपको थोड़ा भी समझ में नहीं आया, देखिए सीधा सीधा सा कॉन्सेप्ट है, इतना तो आप कर ही लेंगे, एलसीएम लेना और ये इनकी यूनिट वर्क निकालना, फिर यहाँ पे अल्टरनेटिव यानी कि बारी बारी वर्क करा रहे हैं, तो यहाँ पे एक भरने वाला है, एक भरने वाला है, खाली करने वाला है, तो एक मिनट में वर्क जितना ही कर सकते थे, अब वो एक मिनट का वर्क नहीं होगा, वो दो मिनट का वर्क हो गया, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई भी की है, ठीक है, क्योंकि अगर हमने यहाँ पे इनका सीधी सीधी मल्टीप्लाई करके 179 में, वो तो सीधा 1 मिनट का वर्क हो गया ना, ठीक है, तो ये हमें 2 मिनट का कराना है, क्योंकि 2 मिनट वर्क वही काम को अब 2 मिनट लग रहे हैं करने में, क्योंकि अल्टरनेटिव यानी कि बारी बारी वर्क कर रहे हैं, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपका आगे भी आ सकता है।
एक क्वेश्चन था आपका एज से, इसको भी देख लेते हैं। एक आदमी की आयु अपने पुत्र की आयु की तिगुनी है, 15 वर्ष बाद इस आदमी की आयु अपने पुत्र की आयु का दोगुनी होगी, पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है। दोबारा से पढ़ते हैं क्वेश्चन को, लिख लेते हैं सबसे पहले। एक आदमी की आयु अपने पुत्र की आयु का तिगुनी है, यानी कि फादर की एज जो है वो 3 और 1 है आज के यानी कि प्रेजेंट में, ठीक है भाई। फादर की एज सन की एज से की तिगुनी है, इसका मतलब सन की एज 1 होगी और फादर की एज 3 होगी, यही तो होगी कंडीशन। नेक्स्ट आपको देखना है 15 साल के बाद आदमी की आयु अपने पुत्र की आयु का दुगनी हो गई, यानी कि दोगुनी हो गई। तो फादर की आयु दोगुनी हो जाएगी, यानी कि सन की 1 ही रहेगी और ये 2 हो जाएगी, दुगनी हो गई। अब आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है, बस यहाँ तक आपने देख लिया ये चीज़, ऊपर क्वेश्चन कुछ नहीं देखना है, बस क्वेश्चन में देख लीजिए निकालना क्या है, पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है। तो पुत्र की वर्तमान आयु हम निकाल लेंगे, बहुत ही आसान है। यहाँ पे इनका चेक करिए डिफरेंस, डिफरेंस कितना है भाई, ये इसका 1 है और इसका 2 है। सबसे पहले यानी कि मतलब डिफरेंस तो ये वाला चेक करना है आपको, इधर क्या है 0 है और इधर 1 है। आपको क्या करना है, इस डिफरेंस को दोनों साइड में इक्वल करना है, चाहे कुछ भी हो, मतलब दोनों साइड में इक्वल रहना चाहिए, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, कुछ भी हो आपका, दोनों साइड में इक्वल होना चाहिए। इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, अच्छी ट्रिक है, बहुत आसान है, बिल्कुल भी हर चीज़ को ये मत सोचा करें कि लेंथी है, थोड़ा सा दिमाग लगा के एक एक स्टेप को समझने की कोशिश किया करें तो आपको बिल्कुल भी चीज़ें हार्ड नहीं लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 2 है और ये 1 है, तो 1 के ऊपर दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 की दोनों में नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका समझिए क्वेश्चन हो जाएगा। तो क्या होगा, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, और इधर तो 1 का ये 1 की होगी, तो इसका मतलब ये 3 और 1 ही रहेगा। तो अब चेक करें इनके बीच का डिफरेंस, तो ये 1 आ गया और इधर भी डिफरेंस 1 ही आ गया, तो इसका मतलब अब आप आंसर कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। अब देखिए इनका जो डिफरेंस आया है 1 आया है, बट जो एक्चुअल में जो ये रेशो है एज का इनकी और ये रेशो है एज का, ये कितने का डिफरेंस है भाई, 15 साल का। देखिए इन्होंने यहाँ पे बताया था ना कि 15 साल बाद आदमी की आयु अपने पुत्र की आयु का दोगुनी हो गई, तो इसका मतलब जो है ऊपर वाले से जो रेशो है उसको भूल जाइए, अब इससे ही वर्क करना है मैं पूरा। तो यहाँ पे जो ये रेशो दिया था सबसे पहले कि 3 गुना थी सन की आयु का फादर की आयु, अब 15 साल बाद ये वाली आयु का रेशो बन गया, तो आप ये बताइए सीधा सीधा कि जो ये डिफरेंस आया है ये 1 का है, बट इनका जो एज का डिफरेंस है वो कितना है, 15 का है, तो इसका मतलब 1 के बराबर 15 हो गया। तो बस अगर आपको 1 के बराबर 15 पता चल गया तो आप किसी की भी एज निकाल सकते हैं, फादर की पूछे, प्रेजेंट की, चाहे सन की पूछे, पूछा किसकी गई है सन की, तो सन की 1 है, तो 1 में 15 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 ईयर, ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर पूछा जाता फादर की तो कितना हो जाता, 15 की 3 में मल्टीप्लाई कर देते तो कितना हो जाता 45, आपका राइट आंसर हो जाता, ठीक है। और किसी की भी पूछा जाए कि 15 साल बाद कितनी हो जाएगी, वो भी आप निकाल सकते हैं सीधा सीधा। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं रीजनिंग की, यही क्वेश्चन थे मैथ के, तो रीजनिंग की बात कर लेते हैं, कुछ रीजनिंग के जो क्वेश्चंस मिले हैं उनकी भी बात कर लेते हैं। रीजनिंग में आपका स्टेटमेंट कंक्लूजन बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, 6 से 7-8 क्वेश्चन तक भी पूछे जा रहे हैं, तो बिल्कुल भी ऐसा मत करके जाइएगा कि स्टेटमेंट और कंक्लूजन अगर छोड़ के चले गए तो रीजनिंग में ऐसा लगेगा कि कुछ पढ़ के ही नहीं आए। तो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन पढ़ के जाइएगा, वेन डायग्राम पढ़ के जाइएगा, सिलोगिज्म पढ़ के जाइएगा, सीरीज जरूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है। शुरू के 3 चैप्टर तो जरूर रट लीजिए, क्योंकि इनसे आपके कम से कम 10-15 क्वेश्चन आ रहे हैं। मिरर इमेज से 1 क्वेश्चन फिक्स हो रखा है, कोडिंग डिकोडिंग से भी 1 से 2 क्वेश्चन, काउंटिंग फिगर का भी आपका 1 से 2 क्वेश्चन आ जाता है, और मतलब बच्चे बता नहीं पाते हैं। और हाँ, एक चीज ये रही है कि आज 3rd शिफ्ट में एक बच्चे ने बताया मुझे कि जो क्वेश्चन था, मतलब एक काउंटिंग फिगर का, उसमें ट्रेंगल पूछ रखे थे, और वहां पर आपको क्या था कि ट्रेंगल का कोई भी वो नहीं दे रखा था, ट्रेंगल की कोई फिगर दे नहीं रखी थी, और आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि इसमें कितने ट्रेंगल है। तो उसका आप टेंशन ना लें, आपको उसका नंबर मिल जाएगा। अगर इस टाइप से क्वेश्चन रॉन्ग था तो आप टेंशन बिल्कुल ना लें, आपको उसका नंबर मिल उसके जो भी नंबर होंगे वो आपको सभी को मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ओड वन आउट क्लॉक और कैलेंडर से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। एक क्वेश्चन था आपका, देखिए कैलेंडर से, 10 सेप्टेम्बर 2018 को मंडे है, तो 144 दिन बाद क्या होगा। ये क्वेश्चन एक बच्चे ने भेजा, और मुझे लग रहा है मतलब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना था आपको, क्या करना है 144 डेज है। देखिए डेज कितने भी हो आपको 7 से ही डिवाइड करना होता है, ठीक है। और जो हम क्वेश्चन करते हैं जिसमें ट्रिक यूज करते हैं मंथ प्लस ईयर, सॉरी डे प्लस मंथ प्लस ईयर प्लस लीप ईयर,
और डिवाइड बाय 7, तो ये भी तो वही कॉन्सेप्ट हो गया ना, उसमें हमें डेज निकालने पड़ते हैं, वो सब कुछ डेज ही तो होते हैं, और यहाँ पे एक्स्ट्रा डेज मतलब, और यहाँ पे आपको डेज दे दिए तो इसमें एक्स्ट्रा डेज कितने होंगे, तो आपको बस 7 से डिवाइड करना है, तो 7 से डिवाइड करेंगे कितना बचेगा, रिमाइंडर 4, तो आपको क्या करना है, मंडे से नेक्स्ट आपको 4 काउंट कर लेने हैं, तो मंडे के बाद 4 काउंट करेंगे तो क्या होगा, 1 2 3, तो यानी कि मंडे ट्यूजडे वेनसडे थर्सडे और फ्राइडे, फ्राइडे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। तो इस तरीके का कुछ क्वेश्चन था आपका रीजनिंग का। एक क्वेश्चन था कि कुछ ए बी है और कुछ बी सी नहीं है, तो कुछ ए बी तो आप समझ गए होंगे, कुछ ए और बी है तो ये हो गया, कुछ बी सी नहीं है, तो बी के अंदर एक पॉइंट लगाएंगे और बाहर की तरफ सी को बहुत दूर से लाके बैठा देंगे, इसका मतलब है कि जो ये पॉइंट आपने लगाया है ये सी नहीं है, ठीक है, ये सीन नहीं है, तो इसका मतलब आप समझ गए। तो यहाँ पे आप पहले वाला क्वेश्चन क्या है, यानी कि कंक्लूजन क्या है, कुछ ए बी नहीं है, तो कुछ ए बी नहीं है कैसे नहीं हो सकते, क्योंकि कुछ ए बी है तो इसका मतलब ये तो रॉन्ग हो जाएगा। फिर दूसरे वाला है कुछ सी बी है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या दे रखा है, कुछ सी बी है, तो यहाँ पे कुछ बी सी नहीं दे रखा है, और यहाँ पे दे रखा है कुछ सी बी है, तो इसका मतलब ये भी रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका जो स्टेटमेंट दे रखी है उससे ही आपका कंक्लूजन मैच हो रहा है, ठीक है। एक था आपका ये वाला क्वेश्चन कि दिल्ली को आपका ये लिखा जाता है तो पटना को क्या लिखा जाएगा, तो दिल्ली दिल्ली में आपको क्या करना है, सभी में -1 1 कर देना है, ठीक है। तो ये आपका पैटर्न चला था -1 -1 -1 -1 और -1, इस तरीके से आपने सभी में -1 कर लिया, तो पटना में भी -1 कर दीजिए और आपका राइट आंसर आ जाएगा OZSMZ, ठीक है। इस तरीके से करके देखिएगा, -1 सभी में, यानी कि इनके आपको नंबर याद होने चाहिए, अगर आपको पता है डी आपका 4 नंबर पे आता है तो आप इजीली कर लेंगे, -1 करके सी तीसरे नंबर पे आता है। इसी तरीके से अगर आप इतना जानते हैं और अगर आपको ये नहीं पता है तो आप एक बार जल्दी से लिख लिया करें वहाँ पे जाते ही, ठीक है। जो आपको पेपर आपको मिलता है उस पे ABCD पूरी लिख लो, ए से एम तक, ठीक है, मैं आपको बहुत सारी वीडियो में बता चुका हूँ, और एन से जेड तक, और उनके ऊपर नंबर भी डाल लिया करें, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट इससे आपके कई क्वेश्चन सही हो जाएंगे, ठीक है। PDF लेने के लिए मैं आपको हर एक से बता ही रहा हूँ हर एक वीडियो में कि टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। उसके लिए सबसे पहले आपको टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, टेलीग्राम ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर पे, जहाँ से आप ऐप डाउनलोड करते हैं, बहुत सारे ऐप आप डाउनलोड करते होंगे वहीं से टेलीग्राम, ठीक है, सर्च करिएगा टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, फिर वहाँ पे आप अपनी आईडी बना के जैसे व्हाट्सअप बनाते हैं टॉपिक स्टडी सर्च करिएगा तो सारी PDF आपको मिल जाएगी, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे मुझे अभी भी कमेंट कर रहे हैं कि हम ऑनलाइन टेस्ट परचेज नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपके पास 5 दिन भी है ना, तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा सीरियसली कि आप ऑनलाइन टेस्ट को परचेज कर लीजिए, क्योंकि ये 120 रुपये का टेस्ट है, कोई ज़्यादा बड़ी अमाउंट नहीं है, बट अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि इसमें 30 टेस्ट है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, प्राइस उसकी 149 है, बट टॉपिक स्टडी स्टूडेंट वालों के लिए ये 20% के डिस्काउंट में मिल रहा है, जिसमें आपको सौरभ SPL कोड यूज करना है तो आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसको परचेज कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मतलब आकर के यही बोलते हैं कि टाइम मैनेजमेंट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम सामने होती है, क्योंकि उस टाइम पे आपको ऐसा लगता है कि ये पेपर जो दिया गया है ये फर्स्ट टाइम आप दे रहे हैं। अगर आप इसको पहले मोबाइल में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में, जैसे भी आप, क्योंकि इसे लैपटॉप कंप्यूटर में आप कहीं पे भी खोल के दे सकते हैं, तो बहुत आपके लिए प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि आपको बिल्कुल एग्जाम के तरीके से ये पैटर्न है, मतलब इस टेस्ट का, और इसमें आपको 30 टेस्ट दिए जा रहे हैं जो कि बिल्कुल करंट GK भी होगी इसमें, और साइंस भी होगी, मैथ के भी हो गए, साइंस के भी हो गए, और सब कुछ आपका रीजनिंग भी होगी, सब कुछ आपका होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, उनका सॉल्यूशन भी होगा, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो त्रिभुज का निशान बना होता है छोटा सा, उस पर क्लिक करिएगा तो नीचे खुल के आ जाएगा, वहाँ पे इसका लिंक दे रखा है, डायरेक्ट आप परचेज करके और लगातार टेस्ट देते रहिए टेस्ट, ठीक है। चलिए आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपने लाइक भी कर दी होगी, शेयर भी कर दिया होगा, अगर नहीं किया तो कर दीजिए जल्दी से PDF डाउनलोड करने के लिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो को देखने बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।